बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल चिकन ड्रमस्टिक। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, ड्रमस्टिक बनाने के लिए मैंने 10 लेग पीस लिए हैं, 1 टीस्पून रेड चिली ली है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1/2 टीस्पून दादर मिर्च, 5 ग्रीन चिली ली है, इनको बिग बिग काट लिया, प्याज को कद्दूकस करके प्याजों का पानी निकाल लिया, 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट ली है, ब्रेड क्रम्स ली है 1 कप, 1/4 कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 कप मैदा लिया, 1 लीमू लिया है और 1 अंडा लिया। चले आए अब हम बनाते हैं। और यहाँ सोया सॉस लिया है, विनेगर लिया है और चिली सॉस। अब हम लेग पीस का गोश्त अलग कर लेंगे हड्डी से। सारों का इसी तरह ही हम लोग गोश्त उतार लें। ये लागू हो गया, अब इसको भी इस तरह ही कर लें। चिकन को हमने हड्डियों से अलग कर लिया, यहाँ हड्डियों के ऊपर हम लोग 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लगाएंगे, 1/2 टीस्पून साल्ट, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून चिली सॉस, 2 मिक्स कर लो। इनको अब मसाला लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। हड्डियों का मसाला लगाए 10 मिनट हो गए, अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। स्टीम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम ड्रमस्टिक बनाए तो ड्रमस्टिक के अंदर ब्लाद ना निकले। यहाँ एक कढ़ाई लिया, इसके नीचे लो फ्लेम ऑन कर लिया और अब इसके ऊपर ढक्कन दे के स्टीम कर लेंगे। सारे मसाले डाल दें, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ब्रेड क्रम्स, ग्रीन चिली, लेमन, अब हम इसे चॉप कर लेंगे।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हड्डियां स्टीम होगी और इनके साथ जो चिकन लगा हुआ है इसको हम उतार लेंगे। ये चॉप हो गया, अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 स्पून हम लोग डाल देंगे चिली सॉस के। सोया सॉस के डाल देंगे 2 स्पून। और विनेगर के डाल दूं। सॉसेस डाल के अब हम इनको फिर से चॉप करेंगे। ये चॉप हो गया, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर ये मटेरियल आपको नरम लगे ड्रमस्टिक का तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैदा और ऐड कर सकते हैं। अब हम ड्रमस्टिक बना लेंगे। अब हम इसको मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। और इस तरह ही हम सारी ड्रमस्टिक बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर मैदा लगाएं। ड्रमस्टिक बन गए, अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ कढ़ाई ली है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया, मीडियम फ्लेम ऑन कर दिया, ड्रमस्टिक को फ्रिज से निकाल लिया, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे।
अब हम इनकी साइज चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड से भी इनको पका लेंगे अच्छी तरह। ड्रम स्टिक बन के तैयार हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यमी यमी सी ड्रम स्टिक बन के तैयार है। आप इसको अपने घर में बना के जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।